हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम डिस्कस किए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम लोगों ने फोर्स के ऊपर बहुत सारे क्लास कर चुके हैं। आई थिंक आपका नॉलेज इस पे हो चुका है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हम लोग न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं, फॉर्मूला भी कर चुके हैं, ताकि आप लोग ज्यादा बोर ना हो जाए। हम बहुत जल्दी एक नए टॉपिक पे आए हैं, स्टार्टिंग विद न्यू कॉन्सेप्ट। बहुत हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर फॉर्म, राइट। तो वी स्टार्ट ए न्यू टॉपिक, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, राइट। तो यहां पे चार्ज पे आके हमारा इक्विलिब्रियम कैसे फोकस करना है हम वो देखते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्या होता है आपको पता है? क्या होता है इक्विलिब्रियम? मतलब जब दोनों साइड में सेम हो, राइट, समानता को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। आप देखे होंगे ये गेम टग ऑफ वॉर, क्या होता है, यहां पे एक टीम होती है टीम ए, यहां टीम बी होती है, राइट। और ये क्या करते हैं ना, ये एक दूसरे को पुल या पुल कर होते हैं, दोनों तरफ से फोर्स आ रहा होता है। जब दोनों तरफ साइड का फोर्स सेम हो तो ये जो टग ऑफ वॉर है ये शिफ्ट होता है, शिफ्ट नहीं होता है, दैट मींस ये इक्विलिब्रियम में है। उसी तरह इस पे हम लोग बेस करेंगे, कैसे हम लोग इक्विलिब्रियम देखेंगे पार्टिकल के बीच, कौन सा पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल के बीच, राइट। देखिए सपोज यहां मेरा एक चार्ज पार्टिकल है q1, ठीक है, ये मेरा एक चार्ज पार्टिकल है, आई थिंक दिस विजिबल टू यू, ओके q1, ये मेरा एक चार्ज पार्टिकल है, ओके। और ये चार्ज पार्टिकल का q2, ये मेरा q2 है, राइट। ये मेरा फर्स्ट पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल, ये मेरा सेकेंड पार्टिकल। इसको मैं पार्टिकल क्यों बोला, बिकॉज दिस आर इंडिविजुअल चार्ज, राइट। इसको मैं पार्टिकल बोल सकता हूँ। और ये दोनों एक दूसरे के सेपरेशन डिस्टेंस कितने में है, डी। घबराइए मत, मैं यहाँ पे फोर्स नहीं डालूंगा, कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं करने वाले हैं, फिर से कोई फोर्स हम नहीं करने वाले, ठीक है। मैं इतना बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे दो पार्टिकल है, मान लीजिए क्यू, ये भी चार्ज, ये भी चार्ज, क्यू वन क्यू वन कर दिया, ये मेरा फर्स्ट पार्टिकल, ये मेरा सेकेंड पार्टिकल, बोथ आर डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। ये पार्टिकल इज अ सिंगल इंडिविजुअल पार्टिकल, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों के बीच इक्विलिब्रियम कब होगा, तो ये वाला सेम टग ऑफ वॉर सेम हो रहा है ना, देखिए टग ऑफ वॉर में क्या था, दो साइड थे ना, यहाँ टीम बी यहाँ टीम ए, अब थोड़ा बहुत उससे क्वेश्चन सेम हो रहा है ना, इन दोनों के बीच इक्विलिब्रियम कब होगा, मैं बताऊंगा कब होगा, राइट। जब इन दोनों के बीच, अब इन दोनों के बीच इक्विलिब्रियम कब होगा, जब इन दोनों के बीच नेट फोर्स क्या होगा, सेम होगा दोनों तरफ, राइट। उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं इक्विलिब्रियम पार्टिकल क्यों हो गया। अगर ये सिंगल इंडिविजुअल चार्ज है तो पार्टिकल है, जब ये दोनों मिल जाए एक साथ तब ये और पार्टिकल नहीं होगा, और जब ये दोनों चार्ज सिर्फ सिर्फ इस स्पेस में बस ये दोनों ही चार्ज पार्टिकल है, सिर्फ दो है, तो ये बन जाएगा एक तो सिस्टम, क्या बन जाएगा, सिस्टम। पहले जब खुद था तो वो पार्टिकल में था, जब वो इंडिविजुअल था तो वो पार्टिकल था, जब ये एक से दो बना है, दो से तीन भी हो, राइट, तब ये टोटल क्या था, एक सिस्टम कहलाता है, राइट। पहले तो इंडिविजुअल था, अब इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब पूरे इस एरिया में देखिए कितने चार्ज है, दो चार्ज है, एक से ज्यादा हो गया तो वो लीड टू ए सिस्टम, जो सिस्टम बन गया। मे बी यहाँ पे ऑरेंज चार्ज हो सकते हैं यहाँ पे, राइट, जब भी चलेगा हम बोल सकते हैं सिस्टम में कितने चार्ज है, तीन चार्ज है, राइट। अभी सिस्टम में कितने चार्ज है, दो चार्ज है। मैं आपको जो इक्विलिब्रियम बताऊंगा, सिस्टम में बताऊंगा और पार्टिकल बताऊंगा, तो पहले हम कंसीडर करेंगे, मतलब इस सिस्टम में हमारे दो दो चार्ज ही है, अगर चार्ज नहीं है तो इसे कहते हैं सिस्टम, ये हो गया पार्टिकल, ओके ओके। अब आइए पार्टिकल को इक्वल करते हैं, मतलब पार्टिकल हमारा इक्विलिब्रियम टॉपिक क्या है, इक्विलिब्रियम पार्टिकल, दो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कब होंगे, जब टग ऑफ वॉर में क्या था, जब दोनों साइड का फोर्स क्या था, सेम था, तो यहां पे भी वही चीज मैं लिख दे रहा हूं, मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूं। द टू पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम इफ द नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल विल बी जीरो, कब होगा, द नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल विल बी जीरो। अब ये क्वेश्चन का ध्यान रखिए, अब कोई
भी पार्टिकल लीजिए। चलिए पहले फर्स्ट पार्टिकल लेते हैं, ये सेकंड पार्टिकल है, राइट। ये इक्विलिब्रियम कब होगा? जब इस पे नेट फोर्स अप्लाई क्या हुआ? जीरो होगा। ये इक्विलिब्रियम कब होगा? जब इस पे नेट फोर्स अप्लाई क्या हुआ? जीरो होगा, राइट। यहां पे और एक सिचुएशन भी है, और एक कंडीशन भी है, मैं लिखूंगा, पहले आप देख लेते हैं। ये पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल इक्विलिब्रियम कब होगा? जब इस पे नेट फोर्स क्या हुआ? जीरो। मतलब नेट फोर्स जीरो होना मतलब देखिए ये टग ऑफ वॉर था, ये बी, ये ए, ठीक है, ये भी अप्लाई कर रहा है फोर्स इस तरफ, ये भी अप्लाई कर रहा है फोर्स इस तरफ। अगर बी का फोर्स ज्यादा होता तो ये कहां शिफ्ट होता? बी की तरफ, राइट। पर कंडीशन क्या है? इक्विलिब्रियम कब होगा? जब दोनों तरफ का फोर्स क्या होगा? इक्वल होगा। अब देखिए ये फोर्स इस तरफ है, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑपोजिशन में होगा, तो दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पे नेट फोर्स क्या होता है? जीरो, बिकॉज ये फोर्स इक्वली मैग्नीट्यूड होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन होता है, तो प्लस माइनस कैंसिल, नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। तब जाके वाला इक्विलिब्रियम होगा। वही चीज, वही कांसेप्ट। अब देखिए यहां पे देखिए ये इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है ना, तो वही फोर्स अगर इस पार्टिकल पे जीरो है, नेट फोर्स अगर जीरो है, दैट मींस ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। वही चीज सेकंड पार्टिकल पे अप्लाई करेंगे, अगर उस पे भी नेट फोर्स अगर हमारा जीरो होगा, then we say that the particle is equilibrium. अब particle equilibrium जो दोनों में से कोई एक particle equilibrium में है, that means हम क्या ये बोल सकते हैं कि system भी equilibrium में है? अगर हम दोनों हम बोलते हैं इन दोनों में से कोई एक particle equilibrium में है, that means can we say कि ये पूरा का पूरा system equilibrium है? अब बोल सकते हो। तो इसके लिए मैं example देता हूँ, ठीक है? Suppose ये आपका class 12 है, आपके class में 20 बच्चे हैं, 28 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और एक टीचर है, ओके? अगर इन 28 स्टूडेंट में से कोई एक स्टूडेंट पूरा शांत बैठा है, दैट मींस वो इक्विलिब्रियम में है। मान लो वो पूरा शांत बैठा है, बिल्कुल हल्ला गुल्ला नहीं कर रहा है, चुपचाप बैठा है, तो इसमें से क्या मालूम पड़ रहा है कि पूरे के पूरे क्लास के बच्चे शांत बैठे हैं क्या? हाँ, मैंने कहा कि 28 स्टूडेंट में से वन स्टूडेंट क्या है? पूरा शांत बैठा है, साइलेंटली बैठा है, कॉन्सेंट्रेटली सुन रहा है, अल्लाह बोला नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि पूरे के पूरे 28 बच्चे शांत बैठे हैं? अब बोल सकते हो नहीं ना। तो यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करता हूँ, बस देखते रहिए। अगर मेरा नेट फोर्स ऑन वन पार्टिकल अगर जीरो हो रहा है, दैट मींस ये उसमें से हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि देख लीजिए बट द सिस्टम मे और मे नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। अगर हमारा फोर्स नेट फोर्स है, पार्टिकल क्या है? जीरो है, तो वहां पे भी वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नहीं कहना संभव नहीं है। सिस्टम में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बिकॉज सिस्टम इक्विलिब्रियम होने के लिए सिर्फ एक पार्टिकल का इक्विलिब्रियम जरूरी है, सारे पार्टिकल का इक्विलिब्रियम होना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग का टॉपिक क्वेश्चन पूछे कि एक सिस्टम इक्विलिब्रियम कब होगा, तो नया सेटिंग देते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ ए सिस्टम, ओके। अब हम देखते हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम कब होगा, राइट। तो मैं तो यहां मिटा देता हूं, हाँ, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, इसका हेडिंग दे सकता हूं मैं इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, या फिर मैं बोल सकता हूं फॉर ए सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम। अगर ये हेडिंग ऐसा भी हो तब भी कुछ गलत नहीं है ना, फॉर ए सिस्टम टू बी इक्विलिब्रियम। तो एक वो सिस्टम था, मतलब अगर सोच लीजिए कि यहाँ पे एक Q1 Q2 Q3, राइट, तीन सिस्टम के, मतलब तीन चार्जेस है सिस्टम, ठीक है। तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम कब होगा? जब किसी एक पे इक्विलिब्रियम हो, मतलब किसी एक पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो हो, नहीं, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम कब होगा? जब टोटल फोर्स या फिर नेट फोर्स
ऑन द होल सिस्टम अगर जीरो हो, अगर ये सिचुएशन हो, अगर टोटल फोर्स ऑन द होल सिस्टम मतलब तीनों के फोर्स पे जो नेट फोर्स हो वो अगर जीरो हो दैट मींस इक्विलिब्रियम है। सपोज यहां पे दो है, सपोज यहां पे दो है, ठीक है दो है, ये इसको अप्लाई कर रहा है प्लस 5, कितना फोर्स बोलेंगे 5 प्लस 5 फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये इसको अप्लाई कर रहा है -5 फोर्स, तो यहां पे नेट फोर्स कितना हुआ, नेट फोर्स मतलब टोटल Q1 पे तो नेट फोर्स प्लस 5 सब आता है, नेट फोर्स सिस्टम में कितना आएगा 0, जब पे नेट फोर्स वाले सिस्टम 0 आएगा तभी हम बोलेंगे कि वो सिस्टम क्या है इक्विलिब्रियम में है, या फिर और एक और एक और एक कंडीशन भी है, ये भी है और एक भी है, नेट फोर्स ऑन एवरी पार्टिकल ऑफ ए सिस्टम इक्वल टू 0, ये सिर्फ ये भी है, ये आपको मैं आसानी से समझ सकता हूं, ठीक है ये वाला मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, पहले ये वाला समझ गए, अब ये क्या हो रहा है, f नेट ऑन एवरी पार्टिकल ऑफ अपने सिस्टम में 0, ओके इसको समझाता हूं, देखिए सिंपल सा ये आपको आसानी से समझा रहा हूं, कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, यहां पे देखिए लास्ट एग्जांपल याद कीजिए, लास्ट एग्जांपल क्या था, ये एक सिस्टम था, एक चार्ज मेरा q1 था, एक चार्ज मेरा q2 था, ये था मेरा डिस्टेंस d, मैंने क्या कहा था q1 कब इक्विलिब्रियम में होगा, जब f नेट ऑन q1 क्या होगा 0 होगा, तब q1 निकला होगा, अच्छा यहां पे कितने पार्टिकल है, दो पार्टिकल है, तो दोनों सिस्टम इक्विलिब्रियम कब होगा, जब दोनों पे नेट फोर्स कितना होगा 0 होगा, मतलब f नेट q1 में भी 0 और q2 में भी 0, अगर यहां पे q3 भी होता तो क्या होता, सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होता, ये सिस्टम जो मेरा है इक्विलिब्रियम में कब होता, जब f नेट और q1 इक्वल 0 q2 इक्वल 0 और f नेट नेट फोर्स ऑन q3 भी जब होगा, मतलब हर एक जितने सिस्टम में जितने पार्टिकल है सब पे जब नेट फोर्स कितना होगा 0 होगा तब जाके हम बोलेंगे f नेट अगर तो तब जाके बोलेंगे सिस्टम क्या इक्विलिब्रियम है, ये वही लिखा था, ये जो लिखा था मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया, क्या बोला था एक सिस्टम इक्विलिब्रियम कब होगा, जब नेट फोर्स ऑन एवरी पार्टिकल ऑफ ए सिस्टम विल बी 0, मतलब हर किसी का सिंगल पार्टिकल का नेट फोर्स जो सिस्टम प्रेजेंट है सबका अगर 0 होगा तब भी बोल सकते हैं कि सिस्टम क्या है इक्विलिब्रियम में है, राइट। तो दो फॉर्मूला थे, क्या था, पहला था f नेट ऑन ए सिस्टम क्या होना चाहिए 0, राइट, या फिर नेट फोर्स ऑन एवरी पार्टिकल सारे पार्टिकल पे q1 हो q2 हो q3 हो या q4 भी हो सारे पार्टिकल पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, तब भी हम बोल सकते हैं कि टोटल सिस्टम क्या है इक्विलिब्रियम है। तो आपको ये समझाने के लिए एक न्यूमेरिकल करते हैं, राइट, तो आपको ये आइडिया और जैसे आ जाएगा। सो ये हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जिससे हम देख पाएंगे कि इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ओके। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पहले थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए वो दे दीजिएगा, फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज पार्टिकल q3 फॉर इट्स इक्विलिब्रियम, मतलब यहां पे एक चार्ज पार्टिकल लिया गया है q1 और यहां पे एक चार्ज पार्टिकल q2, राइट, और यहां पे पूछ रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टिकल, थर्ड चार्ज पार्टिकल q3 मतलब और एक चार्ज पार्टिकल है q3, ये तो इसका डिस्टेंस हम लोग क्या बोलते हैं d दे दिए, अब हमें q3 को कहां पे प्लेस करना है ताकि पूरा सिस्टम क्या हो इक्विलिब्रियम हो, q3 को आप कहां यहां प्लेस करोगे, यहां प्लेस करोगे, यहां प्लेस करोगे, इस तरफ प्लेस करोगे कि q3 चार्ज को, तो वही पूछा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज पार्टिकल q3 फॉर इट्स इक्विलिब्रियम, थर्ड चार्ज q3 को हम लोग कौन से जगह पे प्लेस करेंगे या फिर रखेंगे जिससे कि वो सिस्टम क्या हो इक्विलिब्रियम में हो, राइट, और इसको अगर मैं इजी से लिखूं, अगर इसी क्वेश्चन को मैं इजी कर दूं तो क्या होगा, व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ द q3 सो दैट द नेट फोर्स एक्सप्रेस बाय q3 जीरो, है ना, देखिए क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, मीनिंग एक ही होगा, देख लीजिए
ऑफ चार्ज क्यू थ्री सो दैट द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्यू थ्री मस्ट बी जीरो। दोनों क्वेश्चन का मतलब सही है। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो इसी क्वेश्चन का मतलब है, दो चार्ज दिया हुआ है Q1 Q2, Q3 को मैं कहां पे रखूं सो दैट द नेट फोर्स एक्सप्रेस बाय Q3 मस्ट बी जीरो। अगर ये दो इक्विलिब्रियम में है ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं, तो Q3 को मैं कहां पे रखूं ताकि पूरा इसका प्रॉपर सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, तो उस पे हम आज हम ये करेंगे। तो उसके लिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं, हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे कहां कहां पे इसको रखें Q3 को कि हमारा सिस्टम क्या हो इक्विलिब्रियम में हो। तो क्वेश्चन मिटा दे रहा हूं, वाह दिन आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, ठीक है वो बना के भेज दूंगा। अब इसके एनालिसिस करना पड़ेगा राइट। ये तो मेरा Q1 है, ये तो मेरा Q2 है। एक क्वेश्चन ध्यान दीजिए, यहाँ पे की बोला है मतलब इसका नेचर क्या है, इसका नेचर पॉजिटिव है बिकॉज यहाँ पे अगर नेगेटिव होता तो ये माइनस की बोल देता। सिंस यहाँ पे ई लिखा गया है दैट मीन दिस पॉजिटिव चार्ज, इट इज ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज राइट। अब हम लोग जो Q3 है अब मान भी चाहिए ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ये भी पॉजिटिव चार्ज है ठीक है। अगर मैं Q3 को यहाँ पे रखता हूँ, सपोज मैं Q3 को यहाँ पे रखता हूँ सपोज ठीक है ओके। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है बोल दिया ना राइट। तो अब देखिए ये फोर्स दोनों के बीच जो फोर्स होगा कौन सा फोर्स होगा, वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो होगा ही। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ फल, ये भी पॉजिटिव है बिकॉज इसको भी चार्ज मतलब नेगेटिव दिखा नहीं थी पॉजिटिव है। अब मैंने इसे पॉजिटिव दिया है तो इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। हां या ना बिकॉज दोनों सेम चार्ज है रिपल करेंगे तो ये एक फोर्स इसको देगा इस डायरेक्शन में, रिपल का मतलब क्या पास आएगा क्या नहीं दूर जाएगा, ये सो रिपल दूर जाएगा तो ये फोर्स तो यहां से गिरेगा इस तरफ आएगा। अब वाला फोर्स कैसे लिखोगे, मैं लिखा था ना एफ ऑफ क्या लिखोगे, किस पे गिर रहा है, थ्री पे गिर रहा है, किसके लिए वन के लिए लिखना आता है कि नहीं, लिखना आता है इसमें फोर्स ऑन थ्री ड्यू टू चार्ज Q1 राइट। इससे कहते हैं Q1 मतलब थ्री पे जो फोर्स एक्सपेंस हो रहा है, हाँ क्रॉस है सही है ठीक है, तो क्रॉस है सही है ठीक है क्रॉस से लिया हूं ठीक है। इस पे जो फोर्स Q1 डाल रहा है इस तरफ उस फोर्स को हम लोग रिपेट कर पाएंगे किसमें F3 वाले में, F3 मतलब क्या फोर्स ऑन 3 इस पे F3 वाला है इस तरफ से 1 की वजह से F3 वाला इस तरफ आया ना सही है ना, तो F3 वाला इस तरफ आया यहां तक आपको डाउट नहीं है। अब आइए अब इधर देखिए Q2 भी कौन चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव तो है ही नहीं राइट, तो Q2 भी ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा सेम फोर्स ऑफ रिपल्सन, वो भी किस तरफ इस तरफ लगेगा, जो यहां पे नेक्स्ट फोर्स अप्लाई होगा वो होगा f ऑफ 3 के ऊपर फोर्स ऑफ अप्लाई होगा 2 की वजह से f ऑफ 3 2 पहले क्या f ऑफ 3 लिखा ना बिकॉज़ फोर्स ऑन 3 क्या होते हैं जस्ट Q1 और f 3 2 क्या होगा फोर्स ये f 3 2 ठीक है जो कि इस पे एक्सपीरियंस होगा फोर्स ऑन चार्ज Q3 ड्यू टू 2 चार्ज 2 राइट। आप समझ गए ना, हम लोग इसका इलाज में लिखा इसका करना कूलम सुधाओ बेटर फॉर्म में f ऑफ Q2 मतलब 3 के ऊपर चार्ज एक्सपेरिमेंट मतलब फोर्स गिर रहा है ड्यू टू 2 f ऑफ Q2। अब f ऑफ 3 2 देखिए कौन से डायरेक्शन में है, देखिए ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है तो इस तरफ है मतलब एट्रैक्शन हो रहा है रिपल्शन हो रहा है मतलब एकदम दूर जा रहा है मतलब वो उसको फोर्स इस डायरेक्शन में देगा एफ ऑफ 3 2। अब बच्चों ध्यान दीजिए अब दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो क्या दोनों कैंसिल कर रहे हैं, ये दोनों अगर फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो ये एडिशन हो रहा है राइट, सिंस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो क्या हो रहा है, तो फोर्स इज एडिटिव हियर फोर्स इज एडिटिव
नेगेटिव क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो ये कैंसिल नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होता, देखो अगर टग ऑफ वॉर में क्या होता, ए और बी में यहां पे प्लस 5 यहां पे माइनस 5 दोनों फोर्स नेगेटिव सेम होता है पर ऑपोजिट होते हैं। ये फोर्स यहां गिर रहा है, ये फोर्स यहां गिर रहा है, ऑपोजिट है ना, तब भी वो कैंसिल हो गया, जीरो हो गया। यहां पे वो केस ऊपर है नहीं, ऊपर है। अगर आप इस पॉजिटिव चार्ज को अगर यहां पे नहीं रखते, ठीक है, ये वाला पोजीशन रखेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे अगर उठा के अगर q3 को मैं कहां लेके जाऊं, यहां पे लेके जाऊं q3 को, तो सिंस ये फिर से पॉजिटिव चार्ज है तो अभी दोनों फोर्स कहां आएगा, उस तरफ आएगा। अब देखिए f of 32 कहां आएगा, वहां आएगा due to charge q2, और f of 31 कहां आएगा, उधर ही आएगा। तो फिर से फोर्स क्या होंगे, एडिशन होंगे, तो नेट फोर्स जीरो कभी नहीं होगा। तो अब मैं q3 को ऐसा कहां पे रखूं कि उसका नेट फोर्स जीरो होगा। मान लीजिए कि डिस्टेंस कितना है d, ठीक है, डिस्टेंस कितना है d, तो अब मैं आपको पता है डिस्टेंस कितना है, ये रहा डिस्टेंस d, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, ये डिस्टेंस d में है। अब अगर q3 को मैं यहां पे प्लेस करता हूं, यहां पे यहां पे यहां पे करता हूं, यहां से का डिस्टेंस कितना होगा, x होगा, यहां से q1 से, ओके, तो यहां से का डिस्टेंस x हुआ, तो q2 से कितना होगा, प्रोडक्ट कितना है d, ये हुआ x, तो कितना होगा d minus x। अगर आप मैथ करके आए हैं तो यहां पे आपको डाउट नहीं होगा। अगर मेरा q3 q1 से x डिस्टेंस में है तो q2 से d minus x डिस्टेंस में होगा, राइट। अब यहां पे थोड़ा रफ लेकर दीजिए, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, राइट। तो यहां पे जो फोर्स होगा वो सब फोर्स होगा f of 31 कहां होगा, इस तरफ होगा, रिवर्स रिपेल करेंगे तो उसको दूर भगाएगा, इस तरफ होगा। अब यहां देखिए, यहां पे जो फोर्स चार्ज q2 करेगा q3 पे क्या होगा, f of 32, मतलब 3 के ऊपर जो फोर्स गिरेगा इतना पॉजिटिव चार्ज है तो वो उसको रिपेल करेगा, तो ये उसको इधर खींचेगा, मतलब इधर रिपेल करेगा, तो वो इस तरफ आएगा। अब देखिए f of 31 उस तरफ फोर्स लगे, दोनों पॉजिटिव चार्ज है ना, राइट, तो वो उसको उस तरफ धकेल रहे हैं। ओके, मैं आपको क्लियर करता हूं, ठीक है, यहां पे डी कर देता हूं, ठीक है, अब कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो ये उसको रिपेल करेंगे, तो ये जो फोर्स देगा वो उसको उधर पुश करेगा, वो f of 31 उधर जा रहा है, फिर से दोनों क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी उसको पुश क्या करेगा, इस तरफ देगा। f of 32 कहां आ रहा है, इधर आ रहा है। अब देखिए दोनों का फोर्स अगर ऐसे हो तो कैंसिल हो सकता है, अगर दोनों फोर्स कैंसिल हो गए तो क्या होगा, f net अनचार्ज q3 क्या होगा, जीरो हो जाएगा, राइट। ये जीरो कब होगा वो हम निकाल रहे हैं, राइट। अब अगर जीरो हुआ तो पूरा क्वेश्चन इक्विलिब्रियम होगा। अब आप बताएंगे इस q3 चार्ज का, q3 चार्ज के ऊपर कितने फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, f31 f32, राइट। तो अब हम निकालते हैं f of net on q3, वो कौन से, f of 31 वेक्टर प्लस f of 32 वेक्टर। मैंने कहा था अगर ये जीरो होता है तो क्या होगा, नेट को समय सिस्टम में जीरो निकालना है तो क्या होगा, f of 31 वेक्टर प्लस f of 32 वेक्टर, थोड़ा सा टेढ़ा है पर समझ लीजिए। अगर मैं इसको इस तरफ ले आता हूं, इक्वल टू इस तरफ ले आता हूं, ठीक है, या समझ गया ना, इसको मिटा नहीं सकता ना, क्या ना एंगल तो थोड़ा उलट पड़ जाएगा, ठीक है। डाल इन प्लेस क्या होगा, अगर इसको ले आता हूं इधर, तो f of 31 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस f of 32 वेक्टर, आया ना, अगर इस तरफ आ क्या f of 31 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ f of 32 वेक्टर, देख लीजिए ये कंसेप्ट, ठीक है। अगर नेट फोर्स जीरो हो रहा है q3 के ऊपर कब होगा, जब ये f of 31 वेक्टर विल बी ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ 32 वेक्टर बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। जब ये कंडीशन है इसका होगा तब ये q3 क्या होगा, इक्वेलिब्रियम में होगा सिस्टम, राइट। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, राइट। तो हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड कितना होता है, आई थिंक ये डायग्राम आपको पता है,
समझ गए, डायग्राम को बता दे रहा हूँ। इससे एक बार थोड़ा सा पीछे से बता रहा हूँ ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम होती। अब देखिए एफ ऑफ नेट फोर्स ऑन क्यू थ्री कितना था, एफ ऑफ थ्री वन वेक्टर प्लस एफ ऑफ थ्री टू वेक्टर। हमें क्या मान के चलना है कि नेट फोर्स कितना होगा, आपको जीरो होगा। तो ये जीरो अगर होगा तो यहाँ पे एफ ऑफ थ्री वन वेक्टर कब होगा, तो एफ ऑफ थ्री वन वेक्टर एफ ऑफ थ्री टू वेक्टर के बीच रिलेशनशिप कैसा होगा, इसको तरफ ले इक्वल कर इस तरफ, तो क्या हो जाएगा कि f of 3 1 वेक्टर माइनस ऑफ 3 वेक्टर इज इक्वल टू f of 3 2 वेक्टर। बात तो सही ना, जो मैंने किया था वही है, बात तो वही है कि जब f of 3 1 वेक्टर और दोनों वेक्टर में क्या होगा ऑपोजिट होगा, राइट। तो ये तो ऑपोजिट होगा पर वैल्यू कितना होगा निकालने के लिए हमें इन दोनों के मैग्नीट्यूड को सेम करना पड़ेगा, राइट। भले ही दोनों का फोर्स जैसे लगे मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा f of V1 का मैग्नीट्यूड को सेम करना पड़ेगा f of 3 2 के मैग्नीट्यूड से, निकालने के लिए कि कहां पे अगर हम लोग रखेंगे उस डिस्टेंस में उस Q3 को तो ये इक्विलिब्रियम में आएगा, राइट। तो चलिए नॉर्मली जो f of 3 1 का फोर्स का फार्मूला क्या होता है, हम लोग फोर्स बहुत पढ़ चुके हैं ना, तो फार्मूला क्या होगा याद कीजिए, k * U1 * U3 / r के बीच दिशा कितना है x, तो देता हूं x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k * e * e नहीं है q2 का कितना है 4e * q3 / q2 और q3 दिशा कितना है b - x, ऐसा हम लोग रूप कहते हैं, क्या लिखूंगा b - x का होल स्क्वायर। देखिए k कट राइट, e कट, q3 कट, जो बचा है उसको हम लिख लेते हैं, क्या बचा है, जो बचा है वो होगा b - x / x का होल स्क्वायर, जब सॉल्व करेंगे इक्वल टू आएगा 4, राइट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा b - x / x का होल स्क्वायर 4 आएगा, राइट। अगर b - x / x का होल स्क्वायर 4 आया सो करते हैं तो d - x / x कितना होगा प्लस और माइनस क्या होगा 2। तो यहां पे x के दो वैल्यू लेंगे, एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो फर्स्ट टेकिंग पॉजिटिव साइन कितना होगा d - x / x कितना होगा प्लस 2 मतलब खाली 2, तो d कितना होगा d - x = 2x, d = कितना होगा 3x, दैट इंप्लाइज x क्या होगा d / 3 मतलब मतलब क्या है देख लीजिए, ये तो हम लोग निकाल के x का वैल्यू क्या है, मतलब ये क्या बोल रहा है कि हम लोग q3 को कहां पे रखेंगे तो ये क्यों होगा ना। देखिए क्वेश्चन क्या था, ये था मेरा e, मार्क करने चल रहा है, ये मेरा e था, अरे जल्दी से, और ये था मेरा 4e, ठीक है, दिस इज e, दिस इज 4e, ठीक है, ये था ना क्वेश्चन में, राइट। अब क्वेश्चन पे जाता, इनके बीच डिस्टेंस कितना था d, क्वेश्चन पूछा था कि मैं q3 को कहां पर रखूंगा इक्वल होगा, तो मैंने कहा था मैं q3 को यहां पर रखूंगा, राइट, जिसका डिस्टेंस कितना होगा x होगा कहां से 1 से, तो हमें निकालना क्या था x, राइट, निकाला क्या था डिस्टेंस q3 को हम कितने डिस्टेंस रखते हैं ताकि इक्वल में हो, निकल गया डिस्टेंस कितना होगा
अगर टोटल चार्ज डी होता है तो एक्स कहां पर होंगे, यहां पे डी बाय थ्री होगा, राइट, आपका इक्विलिब्रियम आएगा। और अगर आप नेगेटिव साइन लेते हो तो क्या हुआ देखिए, अगर आप देखिए नेगेटिव साइन लेते हैं तो क्या होगा, डी माइनस एक्स बाय एक्स इक्वल टू माइनस टू, डी माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टू एक्स, डी इज इक्वल टू माइनस एक्स, राइट। हाँ, एक्स कितना होगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी, विच इज कॉन्सेप्टली इम्पॉसिबल, राइट। तो ये तो हमारा होगा ही नहीं, इसलिए क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे, राइट। तो x मतलब x, तो q1 को हम कहां पर रखेंगे, q1 को अगर हम d by 3 की जगह पर रखेंगे, अगर इसका क्वेश्चन इतना होगा तभी जाके हमारा q3 क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। पूछे क्या बोला था, q3 को हम कहां प्लेस करेंगे कि पूरा का पूरा सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो क्वेश्चन में पूछा क्या था, x x निकाल के, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपका डाउट नहीं होगा, ओके। अगर आपका डाउट हो तो आप ग्रुप में